जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आइए कुछ मजीद एमपीएस से बात करते हैं। हमारे साथ वजीर जंगलात सफकैन खान साहब मौजूद हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। इस वक्त वजीर जंगलात हमारे साथ मौजूद हैं। सफकैन खान साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की जो मुलाकात हुई है, आप किसी इत्तेहाद को होता हुआ देख रहे हैं? देखिये, पहली बात तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं उनकी अहवाल कुर्सी के लिए जा रहा हूँ, और इमरान खान का जो स्टैंड है कि करप्शन फ्री पंजाब एंड करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो ऐन मुमकिन है कि इस नारे की वजह से शायद वो इकट्ठे हो जाएं, तो मुझे नहीं पता। वैसे जो अभी तक पता है वो यही है कि उनकी अवाल कुर्सी के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से बिलावल साहब और उनकी पार्टी ये कह रहे हैं कि तीन मरतबा का वजीर आजम रहने वाला एक इंसान जो बीमार है, तो उसकी आयादत हर एक को करनी चाहिए, आपको लगता है फ्यूचर में आपकी पार्टी में से कोई जाएगा अगर ये आयादत का ही मामला है? तो जहाँ तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, यकीन करें पार्टीज और इन चीज़ों से हट के मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। दूसरी बात यह है कि वो कुछ इस तरह की उलझन आई खड़ी है अदालतें, और ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं उनके लिए मेडिकल बोर्ड, मरियम बीबी ने कहा था कि जेल में उनके लिए मेडिकल यूनिट आपको याद होगा, वो भी बन गया। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अदालतें एंड ये जो मेडिकल बोर्ड है, अगर इसकी रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में उनका इलाज हो ही नहीं सकता, तो यकीनन फिर उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। मरियम साहिबा की जैसे आपने बात की है तो वो मुतमईन नहीं है, वो ये समझ रही हैं या वो कह रही हैं लिटरली अपने इंटरव्यूज में कि ये कुछ रिवेंज लिया जा रहा है और उस तरह से फैसिलिटीज नहीं दी जा रही मौजूदा हुकूमत की वजह से, उन्हीं की रिकमेंडेशन भी बोर्ड बनाए, तो अब थोड़ा सा इतना तो सब्र करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, बट लेट्स वेट एंड सी कि बोर्ड का रिजल्ट क्या आता है और अदालतें क्या फैसला कर दिया। अदालतें ही कह देती हैं कि नहीं, इनकी क्रिटिकल पोजीशन है, इनको बाहर जाना चाहिए, तो उसको कौन रोक सकता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोर्ट्स। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ नेटवर्क के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हसन रजा साहब ने। हसन, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की नवाज शरीफ और बिलावल की जो मुलाकात है उसको देख रहे हैं, ये करप्शन का इल्हाक है इस तरह का कहा जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs MNAs हैं वो, क्या कहेंगे आप? पूरा जुमला तो आपने बता दिया लाहौर की आवाम को कि ये करप्शन का इत्तेहाद है या किसका है, साफ जाहिर सवाल मैंने पूछा, ये बताया नहीं, वो सवाल के जवाब आप दें। सवाल के अंदर भी आपका जवाब है कि साफ जाहिर है दोनों पार्टी पे करप्शन के इल्जाम हैं, एक का जो है वो जरदारी साहब और बाकियों को जो है नैब तलब करने जा रही है और तलब करने का फैसला किया, मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद केसेस इन पर चल रहे हैं, और इसी तरह अगर आप देखें तो जो शरीफ खानदान है उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस में सामने आ रहे हैं। एक और केस है जो नैब में जिनका जो इनका जो है नवाज शरीफ साहब का खुलने जा रहा है, शायद आने वाले दिनों में उसकी जो है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने मंजूरी तो दे दी, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में उस पर जो है बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है। तो साफ जाहिर है जब दो धंधे करते हो कोई भी, तो उनको छुपाने के लिए सब जो है एक छतरी के नीचे इकट्ठे तो होते हैं क्योंकि सपोर्ट करनी होती है एक दूसरे को। साफ जाहिर है कि वो अब मामले को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनसे मुलाकात में जो मीडिया में चीजें आ रही हैं कि शायद उनको किसी इनडायरेक्ट उनको बिलावल भुट्टो साहब ने आसिफ जरदारी साहब का मैसेज पहुंचाया है कि हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर तावुन करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने किसी बात जगहों पर इनका भी साथ दिया हुआ है। तो साफ जाहिर है करप्शन केसेस भी हैं और भी अगर आप देखें तो आसिफ जरदारी समेत इस बात के तनाजुर में कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जहां शहबाज शरीफ साहब होते हैं जरदारी साहब नहीं होते, इस बात के तनाजुर में क्या शहबाज शरीफ और जरदारी लाक हो सकता है जिस तरह से बिलावल ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से? मेरे ख्याल में और भी कुछ जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कई जो जमातें हैं जिनको कहीं पे भी नहीं जो है वो मुलाकात के लिए या कहीं पे कुछ चीज़ नहीं मिल रही, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे और इसके खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे और करप्शन को छुपाने के लिए, उसको सेव करने के लिए कोशिश करेंगे और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पर यह प्रेशर जो है वो डिवेल्प किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से उनसे जो है वो निकला जा सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत प्रेशराइज होगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत अगर आप इमरान खान साहब का विजन देखें तो उसके मुताबिक तो नहीं होगी, लेकिन बात जो है अदारों उन पे इनडायरेक्ट प्रेशर तो बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर उन्हीं पे बिल्ड किया जाता है मौजूदा हुकूमत के पास, क्या कोई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया जाए? क्या करप्शन के केसेस जो अलीमा खान और अब्दुल अलीम खान के अलावा और कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज किया जा सकेगा? बिल्कुल, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको इमरान खान साहब के बहुत सारे
سارے حکومتی عہدیدار ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے ان کے ویک پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں وہ یو ٹرن لے کے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جن چیزوں پہ زرداری صاحب اور یہ مسلم لیگ نون کی ملاپ کر کے جو ہے یہ پریشر ڈیولپ کریں گے، ان سے شاید یہ حکومت نمٹنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور کسی نہ یہ ایک ہو سکتا ہے، آپ نے بڑی لمبی ڈبیٹ شروع کر دی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اس وقت سننا چاہیں گے کہ ایسے کون سے ویک پوائنٹس ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے ہیں جو انہوں نے دعوے کیے تھے الیکشن میں کیمپین کے دوران، وہ کسی ایک پر پورا اترتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور کسی کو روزگار جو ہے وہ نہیں ملا، بلکہ بے روزگاری بڑھتی چلی گئی ہے. اس ایک پوائنٹ کو ہی لے لے اگر اپوزیشن تو شاید حکومت کے جو ہے اس کے ناک میں دم کر سکتی ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے قرضہ جات جو کہا تھا کہ پہلے جو ہے ختم کریں گے، تو مزید لینے پہ چل پڑے. ان کے جو ان ڈائریکٹ بیہائنڈ دا کیمرہ جو ان کے گورنمنٹ کے جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اس کو کئی چیز سامنے نہیں لا پا رہے. اگر وہ لے کے آئیں گے تو ان ڈائریکٹ حکومت کے خلاف اور بہت سارے شکنجے سامنے آ سکتے ہیں. اسی طرح ہر چیز میں ڈپارٹمنٹس کی صورتحال ایسی ہے، بیوروکریسی کی صورتحال ایسی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ان کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات کا رابطوں کا فقدان ہے جس وہ بہتر کرنے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اور کچھ ایگریمنٹس جو انہوں نے بیہائنڈ دا کیمرہ کی، اگر وہی اپوزیشن حاصل کر لے، اور کیونکہ ان کے بھی ابھی بیوروکریسی ان کے لنک میں ہے، اگر وہی حاصل کر کے لے آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میڈیا پہ آئے گا تو انہوں نے لے کے جانا، ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے. وہ چیزیں ہیں بنیادی ضروریات، ایک بھی عوام کو نہیں ملی. بجلی دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، صاف پانی دیکھ لیں، اسکول، معاملات پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم میں پڑ سکتی ہے. حسن رضا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین آج کی ملاقات کا احوال آپ نے جانا ہے، ہم نے اس کے اوپر کامنٹ لینے کی کوشش کی ایم پی اے سے جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا. آج بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے، محض عیادت کے طور پر ہوئی ہے یا پھر اس کے پیچھے اتحاد بنانے کے لیے کوئی ایجنڈا شامل تھا؟ ناظرین ہم نے اپنے رپورٹرز سے بھی بات کی ہے اور تمام انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگر تو اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں کچھ ایسے عوامل بھی شامل تھے جن کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے. اس کے اوپر بھی اپوزیشن اگر اتحاد بناتی ہے تو آواز اٹھا سکتی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کو گرانے میں یا پھر کچھ ان کی حکومت کو نقصان پہنچانے میں اپوزیشن کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، کیا آیا ایسی کوئی باتیں ہوئی ہیں یا پھر فیوچر میں ہو سکتی ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.